जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, कोर्ट में स्टेनो 8,000 की रिश्वत लेते धरा गया। किशोर न्याय बोर्ड में कार्यरत था ये स्टेनो विनय सिंगल, जिसको ट्रैप किया गया और पोक्सो एक्ट में इसने परिवादी से रिश्वत मांगी थी। आईजी दिनेश एएमएन के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इस स्टेनो को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने मौके से धर दबोचा। एक परिवादी से पोक्सो एक्ट में उसे बचाने के एवज में इस स्टेनो ने 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई और एक और रिश्वतखोर, एक और भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी को जयपुर एसीबी टीम ने धर दबोचा। किशोर न्याय बोर्ड में कार्यरत था ये स्टेनो, जिसका नाम है विनय सिंघल, जिसको एसीबी की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। ये पूरी कार्रवाई आईजी दिनेश एएमएन के निर्देश पर की गई और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए वन संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। यादवेंद्र, एक और सरकारी कर्मचारी जो रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने जिसको धर दबोचा, क्या था पूरा मामला और किस मामले में इसने परिवादी से इस रिश्वत की मांग की थी? देखिए ज्योति, मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो है प्रखंड जुड़ा हुआ है, जो बक्सी जो थाना है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो परिवादी है सीताराम मीणा, उसका जो भांजा है विजय उस गोलू, जो कि पोस्को के मामले में यहाँ पर बक्सी थाने में उसको अरेस्ट किया गया था, उसको अनिरुद्ध किया गया था, उसके खिलाफ उसकी जमानत कराने जो है उसमें जो किशोर न्याय बोर्ड के अंदर विनय सिंघल है, जो कि एक स्टेनोग्राफर है, उसने भी दाखिल किया था कि मैं तुम्हारे जो भांजा है उसको मैं जमानत दिला दूंगा, तो उसके संबंध में जो कार्रवाई की जानी है और उसके संबंध में जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं उसके एवज में वो 8,000 रुपए की जो रिश्वत है उसकी यहाँ पर मांग कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पर जो परिवार दिया की तरफ बिना उसने एसीबी के अंदर शिकायत करी और शिकायत के दौरान जब यहाँ पर एसीबी ने 1500 रुपए 8,000 रुपए के अंदर पूरा मामला तय हुआ, उसके बाद सत्यापन के तौर पर यहाँ पर जो एसीबी ने 1500 रुपए लेके भेजा था, उसके बाद जब पूरा मामला खत्म आया गया तो यहाँ पर आज एसीबी की टीम ने योजना बनाते हुए यहाँ पर जो विनय सिंघल है, जो कि किशोर न्याय बोर्ड के अंदर स्टेनोग्राफर है, उसको यहाँ पर आज जो बची हुई जो राशि थी 3500 रुपए की, उसको यहाँ पर 3500 रुपए की राशि लेते हुए यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल कितनी भूमिका रही है इसके अंदर, जो मजिस्ट्रेट है उसकी भी इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर एसीबी की जो टीम है पूछताछ कर रही है। लेकिन ये बात तय हो गई है ज्योति कि सरकारी विभागों में अभी भी लगातार जो भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो यहाँ पर विद्यमान है और यहाँ पर तमाम जो भ्रष्टाचारी है वो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इस भ्रष्टाचार के चलते ही यहाँ पर पूरे देश के अंदर करप्शन फैल रहा है। तो तमाम जो चीज है ये फिर से तय हो गई है, क्योंकि लगातार जो एसीबी की जो टीम की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। राजस्थान के जितने भी जो विभाग है सरकारी विभाग, उन पर यहाँ पर एसीबी की टीम की जो नजर है वो लगातार बनी हुई है और ये मानना है उनका कि जो भी अधिकारी रिश्वत कांड में पता हुआ है, जो भी अधिकारी रिश्वत देता है उसके खिलाफ यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। हम बता दें कि ज्योति आपको पिछले बीते दिनों जिस तरीके से आचार संहिता लगाई गई थी उस दौरान भी यहाँ पर एसीबी की टीम ने करीब 70 बार यहाँ पर ट्रैफिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, तो ये साफ कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर शहर के अंदर या राजस्थान के अंदर जो भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो अभी भी पनपा हुआ है, ये साफ देखने को मिलता है ज्योति। जी यादवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया एक के बाद एक कई मामले इन दिनों भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं, एसीबी की टीम लगातार ऐसे रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर चुकी है। लेकिन यादवेंद्र, जिस तरह से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, क्या इसके अलावा भी अन्य दस्तावेज एसीबी की टीम को बरामद हुए हैं? क्या कोई प्रॉपर्टी के कागजात या अन्य किसी बड़े घोटाले का यहाँ को सामने आने की उम्मीद है? देखिए ज्योति, सब चीजें जांच का विषय है। फिलहाल यहाँ पर एसीबी की टीम है जो कार्रवाई कर रही है लगातार, पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर कार्रवाई जारी है। स्टेनोग्राफर को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है और उससे जो 3500 रुपए की जो राशि वो बरामद कर ली है। स्टेनोग्राफर के साथ साथ कौन कौन जो बाबू है वो इसमें मिला हुआ है, इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट की कितनी भूमिका रही है, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर जांच पड़ताल की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि थाने से किस तरह का है स्टेनोग्राफर का जुड़ाव बना हुआ है, इन सब चीजों को लेकर के भी एसीबी की जो टीम है वो स्टेनोग्राफर से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में जो भी नाम सामने आएंगे उसको यहाँ पर एसीबी की टीम जो कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करेगी। इन सब पहलुओं को लेकर यहाँ पर एसीबी की टीम फिलहाल पूछताछ कर रही है। जी यादवेंद्र, जी घर पर भी यहाँ पर छापेमारी करके यहाँ से कुछ दस्तावेज भी यहाँ पर बरामद किए हैं, इसके अलावा दो गाड़ियां भी यहाँ पर स्टेनोग्राफर के। यादवेंद्र जी, जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बता दूं कि एसीबी की आज एक स्टेनो हत्थे चढ़ा है 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए।